आपका दोस्त स्वागत करता हूँ अपने चैनल में देवभूमि अल्मोड़ा में। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है और अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे जो बेल का बटन है उसको भी दबाना ना भूलना, जिससे आपको मेरी सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। गाइस जैसे कि आज देख रहे हैं गाइस, आज मैंने अमेजोन से बोया का जो माइक है वो परचेज किया था। तो गाइस काफ़ी दिनों से जो मेरे बंदे हैं, मेरे दोस्त जो मेरे फ्रेंड है, काफ़ी दिनों से कह रहे थे यार आपकी वीडियो हम देखते हैं लेकिन आपको जो इसमें साउंड जो क्वालिटी है काफ़ी, आपके आवाज़ वीडियो तो देखते देखते हैं लेकिन जो आपकी साउंड क्वालिटी है वो आपकी क्लियर नहीं आ पाती है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे होंगे जो जिस अभी तो जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मैं अपने सैमसंग से जो हमारा ईयरफोन जो हेडफोन जो मोबाइल के साथ आता है तो मैं उससे रिकॉर्डिंग करता हूँ हमेशा मेरी वॉइस भी, और मैं हमेशा इसी से वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस काफ़ी बंदे हैं जो हमारे जो मेरे हमारे जो फ्रेंड हैं कहते हैं यार भाई आपकी आवाज़ यार जो भी है थोड़ी सी कम आती है और समझ में नहीं आती है और काफ़ी धीमी आवाज़ आती है। तो गाइस जैसे कि मैंने यूट्यूब पे देखा तो बहुत से हमारे यूट्यूबर हैं जो बड़े बड़े जो हमारे यूट्यूबर जो बोया का जो मैंने ये अमेजोन से जो लिया था ये प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इसको इसकी वीडियो भी काफ़ी देखी यूट्यूब पे, काफ़ी जो हमारे यूट्यूबर हैं वो इसे यूज करते हैं। तो गाइज़ आज मैं देखता हूँ, देखना चाहता था कि यार कैसी साउंड रिकॉर्ड है इसका, कैसी कैसी रिकॉर्डिंग आती है। और काफ़ी जिन्होंने कहा कि यार बेटर है, सबसे अच्छी है, जो यार यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। और तो आज मैंने भी ये अमेजोन से ही ऑर्डर किया था, तो आज 2-3 दिन पहले ऑर्डर किया था तो आज ये मेरे पास मिल गया। तो मैं आज आपको इसका बता रहा हूँ कि ये कैसे यूज होता है और कैसे चलता है। गाइस जैसे कि आप देख रहे होंगे बोया का है ये, तो देखते हैं। और कभी भी आप प्रोडक्ट लें अमेजोन से या कहीं से भी लें तो जो इसमें आप होलीग्राम देख रहे होंगे ये ऊपर ये होलीग्राम है, तो इसको हमेशा देख के ही खरीदें, ठीक है गाइस। तो वीडियो ज़्यादा ना होने तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रोसेस की कैसा ये चलता है और कैसे ये यूज़ होता है। तो गाइस देखते हैं। तो गाइस ये हमने खोल लिया है डब्बा और इसमें हम देख लेते हैं तो हमको इसमें क्या क्या मिला था। तो गाइस पहले तो मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, पहले इसके सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो गाइस आपको डब्बे के अंदर ये डब्बा है, ये तो काम का है नहीं वैसे, इसको रख देते हैं साइड में। आप ये देख रहे होंगे इसमें एक लेदर का वो मिला है, छोटा सा पर्स मिला है, तो आप देख सकते हैं बोया इसमें लिखा हुआ है। तो आप अब मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको गाइस, जैसे कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और देख रहा था कि मैं भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो जो मैंने देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी साउंड, जो जो अब इसकी साउंड है काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी बंदों ने मुझे बताया भी था, तो तभी मैंने ये अमेजोन से परचेज किया यार। काफ़ी यार आपको वीडियो क्वालिटी भी अच्छी दूँ और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिले आपको और आपकी मेरी वीडियो आपको पसंद आए। तो गाइस मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो आज मैंने ये अमेजोन से बुक मंगवाया था। तो गाइज आप देख रहे होंगे इसमें एक माइक है जो कि एक फॉर्म लगा हुआ है इसके अंदर, और ये आपकी क्लिप हो गई जो आपके आप इन सेट सेट में लगा लीजिए या टी शर्ट में लगा लीजिए, ठीक है गाइज। और एक ये है गाइज, ये छोटा सा वो है इसमें जो कि है बैटरी, इसमें एक छोटी सी बैटरी लगती है जो कि काफ़ी अच्छी है देखने में। गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ इसको खोल के। तो गाइस मेरे पास स्टैंड स्टैम जो मेरा स्टैंड था वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैं इतनी वो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको गाइस दिखाता हूँ कि ये कैसा है, ठीक है गाइस, और कैसा इसी ये काम करता है गाइस। गाइस जैसे कि ये मैंने खोल लिया है, ये मैंने खोल लिया है, आप देख रहे होंगे इसमें एक सेल लगा हुआ है जो कि आप देख रहे होंगे, आपको दिखा दूँ इसमें एक सेल लगी हुई है अंदर। और जब आप इसको इंसर्ट करें तो आप माइनस माइनस प्लस देख लीजिएगा, इसमें यहाँ पे माइनस प्लस लिखा रहता है तो इस हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। और गाइस जैसे कि आपने जब ये एडजस्ट कर लिया तो ये इसमें पहले से नहीं आता है, इसमें आपको मिलेगी तो उसमें आपको ये इंसर्ट करना है, तो ये ऐसे करके इसे बंद कर देना है गाइस, ठीक है सर। तो ये आपका जो लैपटॉप है, मोबाइल है, आईफोन है, कंप्यूटर है, ये सब में अटैच हो जाता है, काफ़ी चार मुंह वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे। तो गाइस अभी तो जो मैं आपको साउंड सुना रहा हूँ तो अभी तो मैं अपने सैमसंग की जो मेरा हेडफोन है उसकी आवाज़ है ये अभी। तो गाइस
शुरू करता हूँ, एक बार इसके भी देख लेता हूँ कि कैसी साउंड आता है इसका और कैसा प्रोडक्ट है ये। तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, जो आप मेरी अगली आवाज़ सुनोगे तो आप इसकी सुनोगे, ठीक है गाइस? तो गाइस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो जैसे कि जैसे भी हो तो ये आपको इसकी साउंड आपको सुनाई देगा गाइस, ठीक है गाइस? पूरी कोशिश करता हूँ गाइस मैं कि आपको अच्छी क्वालिटी दूँ और अच्छा साउंड दूँ। तो गाइस तो इसका साउंड मैं आपको सुना रहा हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं क्या बोया क्या कि ये कैसा प्रोडक्ट है और कैसा ये यूज करते हैं। और वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आईफोन में, DSLR जो हमारा कैमरा है उसके साथ भी ये लगता है, तो इसमें काफ़ी आपको ये मिल जाएंगे। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि यार इसे कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। और तो इसमें एक छोटा सा और मिला था जो कि कैमरे के लिए था, तो एक और बाकी ये हो गया आपके इसके साथ। तो मैं आपको जो नेक्स्ट वॉइस सुनाऊंगा, तो मैं आपको इस बोया का जो ये माइक है इसकी वॉइस होगी। तो गाइस थोड़ी देर आप, तो गाइस आपको साउंड पता ही चल ही रहा होगा इसका कि कैसा साउंड है इसका, क्योंकि मुझे तो अभी पता नहीं चल पा रहा क्योंकि मैं अभी शूट कर रहा हूँ, अभी ये कनेक्ट कर रखा है तो मेरे को आवाज़ का अभी पता नहीं चल पाएगा। गाइस आप अगर मेरी आवाज़ सुन ही रहे होंगे कि आपको हेडफोन में और इस जो माइक्रोफोन है इसमें कितना अंतर है, वो तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो जो मैं गाइस अगर मुझे ये पसंद आया अगर तो मैंने रखा, तो गाइस अगर मैं हमेशा इसी वीडियो से, अगर इसी माइक से हमेशा वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस आज मैं देख रहा था कि यार कैसा प्रोडक्ट है ये, अमेजोन से मंगवाया था मैंने। मैं क्या बोया का कि काफ़ी जो हमारे यूट्यूबर है वो इस चीज़ को यूज करते हैं, तो आज मैंने सोच रहा था कि यार मैं भी यूज करूँ इस चीज़ को। और जो हमारे जो फ्रेंड है जो हम कहते हैं कि यार हमारी मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं आ पाती, तो इसीलिए मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। तो देखते हैं कि कैसी साउंड आती है इसकी। गाइस आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला हूँ गाइस, और बेल आइकन जो नीचे है बेल आइकन हमेशा दबाना गाइस। बेल आइकन अगर नहीं दबाओगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपके साथ नहीं पहुँच पाएगी। तो मैं कभी भी अगर मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका जाएगा गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको अच्छी क्वालिटी दूँ, अच्छी वीडियो क्वालिटी दूँ, अच्छी वॉइस क्वालिटी दूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार और सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर चैनल में नए हैं तो। बाकी मेहनत मेरी है, प्यार आप सब लोगों का है ही है। तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।